भारत की राजनीति बार बार ऐसे प्रश्नों में उलझी रहती है कि यह होता तो वो होता, वो होता तो यह होता। ऐसा ही एक प्रश्न जो बार बार उठाया जाता है कि जवाहरलाल नेहरू की बजाय सरदार पटेल प्रधानमंत्री बनते तो यह होता वो होता। सरदार पटेल ने स्वयं जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री स्वीकार किया था। हुआ यह था कि जब देश आजाद करने की बात आई तब यह कहा गया कि कांग्रेस का जो अध्यक्ष है वही प्रधानमंत्री बनेगा। मौलाना अब्दुल कलाम उस समय में कांग्रेस के अध्यक्ष थे, 6 साल से अध्यक्ष थे। फिर कांग्रेस की 15 राज्यों के अध्यक्षों ने में से 12 ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के बजाय सरदार पटेल के पक्ष में मत दिया। लेकिन जब बात महात्मा गांधी तक पहुंची तब उन्होंने अपनी पसंद पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाने के लिए रखी। सरदार पटेल भी सहमत हो गए और पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बन गए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बहुत दूर की सोच रखते थे और आज यह सच सिद्ध हो गया। 75 साल बाद, आज़ादी के 75 साल बाद जब हम ये देखते हैं तो हमें लगता है कि उनका निर्णय सही था। जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय मामलों के अच्छे जानकार थे। उनकी अपनी एक स्पष्ट आधुनिक सोच थी और वे अंग्रेजों से बेहतर तरीके से समझौते कर सकते थे, ऐसा महात्मा गांधी का भी मानना था। फिर महात्मा गांधी का यह भी सोच थी कि अगर अभी हमने विवाद खड़ा किया तो हो सकता है कि अंग्रेज है वो देश को आज़ाद करने के बजाय उसको एक बहाना मान ले और आज़ादी को टाल ले। वैसे भी सन 1950 में सरदार पटेल की मृत्यु हो गई, वे देश के गृह मंत्री थे। इन सब बातों से यह तो तय होता ही है कि महात्मा गांधी का निर्णय बिल्कुल सही था। वैसे भी आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो महात्मा गांधी और सरदार पटेल दोनों गुजराती थे, दोनों लंदन से पढ़े हुए बैरिस्टर थे और दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती थी। सरदार जब अपनी चुटीली बातों से विषय को रखते थे तब गांधी जी मुस्कुराते हुए स्वीकार कर लेते थे। खेड़ा आंदोलन में दोनों की नज़दीकी बनी जो अंत तक चली। सरदार को लौह पुरुष नाम भी गांधी जी ने दिया था। दोनों प्राचीन भारत की महानता के वशीभूत थे, पर जब देश की आज़ादी की बात, बागडोर की बात आई तो गांधी जी का पक्ष नेहरू था और उनको प्रधानमंत्री बनाया गया। इस काल्पनिक प्रश्न को आगे भी बार बार उठाया जाता रहेगा।